कानपुर से बड़ी खबर है। बिखरू गांव में पुलिस ने शुरू की है पंचायत, आम जन में विश्वास बहाली को लेकर इस पंचायत का आयोजन किया गया। बिखरू गांव पहुंची आरएएफ की टीम की एक यूनिट, लोगों से खौफ निकालने में अब जिला प्रशासन लगा है। गैंगस्टर विकास दुबे का गांव है बिखरू और बिखरू में दबंगई चलती थी, गुंडई चलती थी विकास दुबे की, और तकरीबन डेढ़ दशक तक ये चलता रहा। हर पंचायत के जरिए विकास दुबे फैसला करता रहा। और ये तस्वीर देखिए, अरे आप बहुत मजबूत हो, आप वो माँ हो जो इन बच्चों को जन्म दे करके यही आगे चल के सीढ़ी बनेगी, उसी तरह हमारी माँ है। आप ये क्यों सोचते कि हम बहुत कमजोर हैं अंदर से? नहीं नहीं, ताकत हाँ हमारी हमारी हमारा प्यार जो होता है बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, वो हमें कमजोर बनाता है। बैठो बैठो बैठो, वो चीज हमको कमजोर बनाती है ना। बगल वाले हाँ, अरे उसके बाद ये उठ बैठे थे ना, यही थे हाँ, कोई और उधर। हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी जुड़ रहे हैं हमारे साथ बिखरू गांव से, कानपुर में तब से मौजूद हैं जब से इस कानपुर कांड की शुरुआत हुई थी और आज तक। आदित्य के पास हम सीधे चल रहे हैं। आदित्य, आप तस्वीरें बहुत कुछ बदल गई होंगी, किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए पंकज, अगर हम बिखरू गांव की बात करें तो ये पूरी तरह से बदल गया है, हर दिन बदल रहा है और हर दिन बदल भी रहा है। यहाँ पर जैसे ही वो वारदात हुई थी 2 और 3 की रात में, उसके बाद 3 तारीख जब 4 तारीख होती है तो ये इसका जो आतंक का किला था, एक तरह से दहशत का जो ये गढ़ था विकास दुबे का घर, हम कैमरा पर्सन से कहेंगे वो दिखाएं उसकी क्या गति हुई है। तो जब कोई दहशत करता है, असामाजिक कार्य करता है तो उसका यही हाल होता है, ये तो प्रमाण हुआ जा करके उसके गिरे हुए मकान से। लेकिन हम अब बताएंगे कि आज जबकि कल विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ और उसमें मारा गया, उसके बाद अब पुलिस यहाँ पर बड़े पैमाने पर राहत का कार्य करना शुरू करने जा रही है, जिसमें उसकी पहली कोशिश ये है, लोग जो डरे सहमे थे, अभी तक डरे सहमे हुए थे, वो घर से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, बात नहीं कर पा रहे थे, बड़ा मुश्किल से किसी से बात हो पा रही थी। उसमें हम दिखाएंगे, ये जो सामने कैमरा में हमारे दर्शक देख रहे हैं कि ये एक आरएएफ की पूरी एक कंपनी आई हुई है बिखरू गांव में, आरएएफ की टीम आई हुई है और उसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि लोगों के दिल से दहशत निकले। ये जो लोग आए हुए हैं वो सिर्फ यहाँ पर दहशत निकालने के लिए आए हुए, और ये बताने के लिए कि पूरी सुरक्षा उनके साथ है, गांव वालों के साथ है, किसी से डरने की अब ज़रूरत नहीं है। जो 25 से 30 सालों की सल्तनत थी दहशत की, वो ढहा दी गई है पूरी तरह से। हम थोड़ा और आगे चलेंगे, वहाँ पर एक जन पंचायत लगी हुई है बिखरू गांव में, पुलिस ने इसकी शुरुआत की हुई है इस जन पंचायत की। पुलिस का ये कहना है कि इस पंचायत के माध्यम से जो पिछले 2.5 दशक में लोग घर से नहीं निकलते थे, निकलते थे तो सर झुका कर निकलते थे, या फिर उनमें एक डर था कि कहीं कोई उनके साथ अनहोनी ना हो जाए, एक जो विकास दुबे नाम की दहशत थी उसको निकालने में अब लगी हुई है यहाँ पर स्थानीय पुलिस। जो ASP हैं यहाँ पर, क्षेत्राधिकारी हैं, वो आए हुए हैं त्रिपुरारी पांडे, और वो खुद लोगों से रूबरू हो रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि किसी भी तरह से अगर कोई भी घटना या कुछ ऐसा कुछ हुआ है तो आप बताएं, आप लिखित शिकायत करें, और किसी भी तरह का अगर अन्याय हुआ है तो उससे मुक्ति दिलाई जाएगी। पंकज, इस वक्त हैं हमारे साथ क्षेत्राधिकारी सीसामऊ त्रिपुरारी पांडे जी, और हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं। सर, आज जो ये पंचायत आपने लगाई है इसका उद्देश्य क्या है? हालांकि समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी आप क्या प्रयास कर रहे हैं? उसका उद्देश्य आप समझ रहे हैं कि जो लोग किसी भी कारण से कहीं भय में प्याप्ते, जैसे बहुत सी सूचनाएं मिल रही थी कि कोई बच्चा या कोई महिला आटा लेने नहीं जा रही या चावल लेने नहीं जा रही है, तो किसी न किसी तरह का भय उनके मन में था, तो इनको इस बात का दूर किया गया कि किसी तरह से किसी राजनीतिक आदमी से, किसी अपराधी से या किसी भी पुलिस से, किसी से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना सामान्य रूप से अपना दैनिक कार्य जो है उसको कीजिए, अगर किसी पे कोई अति हुआ है तो उसको बताएंगे, उसका निस्तारण हम लोग गाँव में है, हम लोग तत्काल कर देंगे। आपको क्या लगता है, आपकी ये जो पंचायत है इसमें आप अपने उद्देश्य में पूरे हो पाएंगे? क्या लोग आपके पास आए? बिल्कुल, ये विश्वास है हमें कि हमारा उद्देश्य, हमारा जो अपना मानना है वो इस जनता के साथ है, और हम लोग सब लोग मिल करके इन समस्याओं को यहीं खत्म कर देंगे, इनके सामने ही।
आज लगभग हम देख रहे हैं इस जनमंच में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी आए हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो लोग, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इसके संबंध में? आप उनसे ही बात करें, वो बताएंगे आपको बेहतर कि इसके संबंध में किस तरह से हमने कई मामले उनके अभी तत्काल निस्तारण कर दिए हैं। कई मामले तत्काल निस्तारण किए गए जो हो सकते थे, और इसके अलावा और तमाम जो मामले हैं उनकी रिटर्न में एक एप्लीकेशन देने की बात कही गई है। और हमारे साथ एक ग्रामीण है, उन्हीं से बात करते हैं, अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि क्या कुछ कहना है इन ग्रामीणों का। क्या आप जो पंचायत लगाई है पुलिस ने, इस पर आपको कितना विश्वास है? हमें पूरा विश्वास है। तो आज आपने क्या कुछ कहा और क्या कुछ लग रहा है आपको कि आप कैसे आगे के दिन अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे? आप साहब जब से वो खत्म हो गए, मर गए, तब से अब अपन स्वतंत्र हो गया बिकरू और सब आराम से बच्चे रहेंगे। अब इनका ये कहना है कि एक जो एक दहशत की बात थी, एक जो डर था लोगों के दिल में, वो कहीं ना कहीं दूर होगा इससे, और अब एक शुरुआत होगी, एक नया सवेरा होगा, कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं। जी पंकज, चलिए आदित्य आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप नज़र बनाए रखिएगा, फिर आपके पास हम आएंगे।